ऐसे 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 बजा ऐसे। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखते हैं, मैं कितनी खुश हूँ क्योंकि आज मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आ रही है। ये वैसे हम लोग मतलब कॉलेज टाइम के फ्रेंड हैं। हम लोग की फ्रेंडशिप को पूरे मतलब अगस्त, क्योंकि हाँ अगस्त में हम सबका कॉलेज स्टार्ट हुआ था और अगस्त में मतलब 10 साल पूरे हो जाएंगे। और अभी फ़िलहाल मैं उसे 5 साल बाद मिलने वाली हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अब मैं थोड़ा थोड़ा खाना भी बनाना सीख गई हूँ, तो इसलिए मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ। होप से उसको पसंद आए। कॉलेज में मैं बहुत बहुत ज़्यादा गंदा खाना बनाती थी, पर फिर भी मैं मतलब मेरा ऐसा थोड़ा था कि हाँ मैं बना के खिलाऊँ। मैंने अपनी फ्रेंड के लिए, मैंने अपनी दूसरी फ्रेंड के लिए खाना बना के रखा था। वो मतलब कहीं से आई थी, थोड़े दिन से कहीं घूम घूम के आई थी, तो मैं सोचा था कि मैं उसके लिए खाना बना के रखूँ। तो मैं उसके लिए खाना बनाई थी निधि के लिए, तो वो खाई। उस टाइम तो उसने कुछ नहीं बोला, पर जब कुछ साल बीत गए तो उसने बोला कि उस दिन का खाना बड़ा गंदा था और मतलब पराठा बहुत जला हुआ था। पर मेरा ऐसे मन था कि मतलब मैं मतलब वो ऐसे इतनी दूर से घूम के आ रही है, तो मैं उसके लिए खाना बना के, वो भूखी कैसे आएगी, तो मैं उसके लिए खाना बना के रखी थी। वैसे हम लोग साथ में मतलब वैसे वही बनाती थी खाना, पर वो उस दिन नहीं थी इसलिए। तो अब देखते हैं अक्षिता मेरे हाथ का खाना है। अक्षिता मुझसे बेटर खाना बनाती थी, पता नहीं अब कैसा बनाती है, पर मैं अभी थोड़ा ठीक ठाक बना लेती हूँ। तो आज वो आती है तो मैं दिखाती हूँ। अगर उसने मेरा बुराई किया ना, तो मैं उसको बहुत पीटने वाली। मेनली वो मुझसे नहीं, बाबू से मिलने आ रही है। क्यों? क्योंकि मतलब हमारी गैंग में सबसे पहला मतलब बाबू है, तो वो उससे मिलने आई, शिवान से मिलने आ रही है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट फ्रेंड जो शिवान से मिलने वाली है। अभी तक कोई नहीं, मतलब एक और फ्रेंड थी वो मिलने आने वाली थी, बट कैसे नहीं आ पाई। और उसकी शादी में भी इवन मैं इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि शिवान थे पेट में। तो वैसे वो गुड़गांव में ही रहती है, पर फिर भी अभी आ नहीं है। पता नहीं, हर सैटरडे संडे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं ही नहीं बुला पाती। इस बार देखते हैं। और इस बार ये वाली मेरी फ्रेंड फर्स्ट टाइम मिलने आ रही है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 4 बजे तक मेरे को वेट नहीं हो रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा है कि कब आएगी कब आएगी। उसका गिफ्ट वैसे आ चुका है लेकिन वो नहीं आई है। और होप सो मैं ये मैं ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर पाऊँ कि फर्स्ट रिएक्शन हम दोनों को, मतलब 5 साल बाद मिलके कैसा लग रहा है। वैसे जस्ट एक पार्सल आया है, तो मैं खोल रही हूँ। मैं खोल चुकी हूँ, बस यहाँ पे आके मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरे कोई भी पार्सल आता ना, मेरा मन करता जल्दी जल्दी खोल। मुझे ना बहुत सरप्राइजेस वगैरह बहुत पसंद है, और यहाँ पर कोई ऐसे पार्सल वगैरह मुझे बहुत पसंद है। मैं उसको रास्ते में ही खोल चुकी हूँ। ये मुझे मिला है फोटो चूड़ा स्टोर से, तो ये आप लोग वैसे मेरे इंस्टाग्राम पर देखिएगा, इसलिए मैं अभी दिखा नहीं रही हूँ आप लोग को। तो ये मुझे कुछ मिला है वो मैं आपको दिखाऊंगी इंस्टाग्राम पे, आप लोग देखिएगा। और जिसको भी चाहिए होगा आप फोटो चूड़ा स्टोर से जाके ये ले सकते हैं। और मैं उनकी आईडी और ये मेंशन कर दूंगी इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग जाइए मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे और ये उनसे मंगवाइए। उनको भी और कैसा लग रहा है तुमको मेरे से 5 साल बाद मिल के? और ये मेरी दोस्त जो मुझे 5 साल बाद मिली है, आते ही मुझे गड़ियाने लगी। चलो, मेरी वो चुड़ैल फ्रेंड है। अब कितना घटिया रिएक्शन था। हाँ यही वो बेकार मौसी है। समझ गया कौन बेकार है। बेचारा डरा हुआ है। हाँ यही वो लड़की मिलने आने वाली थी। देख रहा है कि लेट होने रही है मुझे। हाँ कह रहा तुम घर से निकलो, तुम निकलो घर से निकलो। बोला मम्मी कितनी अच्छी है, नए नए लोगों को लेके आती है हमेशा। एक और आई, एक और आई थी। क्या करे, चॉकलेट तो लाई ही नहीं, कंजूस है। चॉकलेट तो
डॉक्टर भी जाइए क्या? हाँ। यही वो घोड़ा आती दी है। दिखाओ मौसी को। जाते वक्त पैसा देना। हम कौन सा सच में दे रहे हैं ऐसे? पैसा दे रहे हैं कि नहीं? क्यों 10-10 रुपए क्यों भाई? बात फ्यूचर में तो मम्मी को ही रख रहा है ना, ज्यादा दे के जाओ। ज्यादा तो बनिया है तो उससे क्या हो गया? बात में तो मेरे को ही रखना है ना, तो ज्यादा दे के जाओ। तो बनिया के आना चाहिए ना, पंडित के घर क्या होगा कंजूस जैसा। मेरी दोस्त बोल रही है कि ये पता नहीं किस पे गया है। किस पे गया? मम्मी पे गया, पापा पे? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पे तो नहीं ना चले तुम्हारा ही फोटो देखी थी मम्मी। मेरा ही फोटो देख के पैदा हुए थे क्या? मौसी इतना छोटा गिफ्ट लाई है। चलो घूमने, चलो तुम भी चलो घूमने। मामा से कहना कल परसों आएंगे। कागर नहीं लेना, ये सब चीज नहीं होता। ये दो नहीं लेना, बस एक। मौसी भी देना भी चाहती है लेकिन कम। किसी और के लिए रखी है मौसी? दो बच्चे एक तुम खा लेना। मम्मी भी गिन के लग रहा है, दी थी चार। टेस्टी है, टेस्टी लग रहा है इसको। दे दे क्या? दे दो। नुकसान ही ना करेगा पूरा? नहीं ऐसे नहीं। अरे दो दो उठा लिए, थोड़ा तोड़ के दे रहा हूँ। ये लो। नहीं नहीं बड़ा फला ले लो। वो नहीं मिलेगा। मैंने ना तो मत देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा। अरे नहीं मिलेगा तो मैं नहीं मिलेगा। खा लो बेटू, वही खा लो। नहीं मिल रहा, खा लो। हेलो हेलो नहीं, ये भी नहीं मिलेगा। जाओ जाओ। अब मीठा खाने अच्छा लग रहा है? मुझे ना ये ना बढ़िया बढ़िया था। इतना ठूस लियो खा लोगे? अब ये जो बाहर निकला ना, अब चुना नहीं है हमको, चुना नहीं। जो बाहर निकला ना मौसी खाएगी अब। रिएक्शन के लिए मैं बहुत देर से बैठी थी। ओह माय गॉड, देखो ये मम्मी पराठा में लेके आई है। देखो देखो, अरे गर्म हो जाएगा इसको तो। कुछ भी नहीं, वो था। खाओ खाओ। और हाँ चावल भी है लेकिन कल सुबह खाओगी। बाप रे इतना सारा रोटी दियो। कल सुबह खा, कल सुबह का है चावल। कल सुबह का मतलब आज सुबह का चावल है। कितने बजे बनाई थी? 3:30 बजे। नहीं नहीं, 2:30 में बनाई थी। हाँ तो दोपहर का ही था, सुबह ना। तो ये भी ले लो, चावल खाएंगे थोड़ा सा। अरे खाना खाने दो। आ देखो 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 मौसी, गुट गुट गुट, गील गील गील, जल्दी खाओ, बटर रो रहा है। कैमरे के लिए नहीं, निधि को बोलो कि हाँ मैं अब अच्छा खाना बनाने लगी हूँ। अरे बैठ के अपनी मौसी से पैर दबवा रहे शांति से।